राज्यसभा की वसुंधरा सरकार पर इतिहास में बदलाव करने का आरोप लगाया है। नए इतिहास में मुगलों को हत्यारों के रूप में दिखाया जा रहा है, वे हिंदू राजाओं को विजेताओं की तरह प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके साथ ही इन सरकारों पर यह भी आरोप है कि इनके द्वारा भारतीय राजनीति के इतिहास के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। 18 जून 1577 को हुए हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर ने अपनी विशाल सेना के साथ मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को हरा दिया था। इतिहास के अनुसार महाराणा प्रताप युद्ध भूमि छोड़कर चले गए थे, हालांकि बाद में उन्होंने अपनी जंग जारी रखी। राजस्थान विश्वविद्यालय ने यह तय किया है कि अब इतिहास की नई किताबें कोर्स में शामिल की जाएगी, जिसमें नया इतिहास पढ़ाया जाएगा। इस इतिहास के मुताबिक 450 साल पहले महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया था। इससे पहले भाजपा सरकार ने 9वीं और 10वीं की किताबें बदली थी। केएस गुप्ता के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर है। भारत की आजादी में जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के योगदान के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन राजस्थान सरकार इस बात को नहीं मानती। राजस्थान की 8वीं क्लास की इतिहास की किताब में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम तक नहीं है। नहीं, यह बात लिखी गई है कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। वही क्लास 10 और 12 की किताबों में महात्मा गांधी का नाम तो है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नदारद है। इसकी जगह इन किताबों में वीर सावरकर की बात की गई है, उनको आजादी के रखवाले के रूप में दिखाया गया है। वही क्लास 11 की किताब में कांग्रेस को ऐसे बच्चों के रूप में बताया गया है जिसे ब्रिटिश हुकूमत पाल रही थी। गुजरात में इतिहास को बदलने की प्रक्रिया नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बहुत पहले ही हो चुकी थी। 1995 में केशुभाई पटेल के राज्य के मुख्यमंत्री थे। क्लास 9वीं की सोशल साइंस की किताबों में मुसलमान, ईसाई और पारसियों को बाहरी बताया गया था। वही यह भी लिखा था कि अधिकतर राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, वही मुसलमान, सिख और ईसाई बहुसंख्यक है। 10वीं की किताब में हिटलर को एक हीरो के रूप में प्रदर्शित किया गया था, जिसने जर्मनी की सरकार को गौरवान्वित किया था। हालांकि बाद में इस किताब को वापस ले लिया गया था।